और ये रही हमारे पुदीने की चटनी, हाँ सब कुछ है, एकदम सब कुछ बढ़िया है से यहाँ देख पे। सकते हो आप। मतलब गांव में इस तरह खाना खाना, मजे की बात मैं भी आ जाए कोई एक मंथ के बाद। इस चटनी का टेस्ट बहुत मस्त, कभी खाना देसी लस्सी हाँ देख पॉइंट का और पुदीने की चटनी मक्के की रोटी के साथ आज का लंच, मतलब ये लंच याद रहेगा हमें। गोबर की टोकरी ये देख सकते हो आप। तो हम जा रहे हैं अभी गोबर फेंकने अपनी बाड़ी में। एक्चुअली हमारे घर में गाय भैंस वगैरह है, तो हमें गोबर अच्छा खासा निकलता है, दिन का एक दो टोकरी निकल जाती है। और उसी गोबर को हम एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं अपनी कैसे हो? बाड़ी उम्मीद में। है सारे अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल ठाकुर एंटरटेनमेंट में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों देख सकते हो आज है संडे, संडे को तो मुझे मेरा व्लॉग आता है, तो आज भी आएगा। आज मैं हूँ घर फार्मूला। ये रहा बैकग्राउंड कुछ देसी स्टाइल का पूरा। तो देखते आज क्या व्लॉग रहेगा। आज हम लंच करेंगे बिल्कुल प्योर देसी स्टाइल में, पुदीने की चटनी लस्सी एंड फुलकू के साथ। तो छोटा सा व्लॉग रहेगा आज का, नॉर्मल कोई खास नहीं, बिल्कुल देसी स्टाइल में। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, चुना तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही हमारे पुदीने की चटनी, ये देख सकते हो मैं बिल्कुल प्योर देसी पुदीना अब भी काट के लाया फ्रेश फ्रेश। तो आपको बताइए स्वाद कितना मस्त होगा इसका। तो बाकी पुदीना प्याज मिर्च वगैरह डालेंगे, एकदम मस्त वाली चटनी बनाएंगे ग्रीन ग्रीन। तो ये रहे कुछ प्याज, प्याज भी डालेंगे हम, और नमक मम्मा ने पहले ही डाल दिया, थोड़ा सा हम करेंगे, ज्यादा हो जाएगा तो खाने नहीं आएगा। और मिर्च वगैरह तो डाल दिए पहले ही, बिल्कुल प्योर देसी स्टाइल में, विदाउट एनी मिक्सर के, बिना कुंडी में बनाएंगे प्योर देसी स्टाइल में चटनी। ये देख सकते हो आप, पीस पीस के लगाएंगे हम इसको 15-20 मिनट, मतलब स्वाद आ जाएगा खाना खाने आज। Have you ever been in love? So deep, there's no way out. I wish I could. तो फ्रेंड्स करेंगे अभी हम लंच मम्मी और चाची के साथ, मक्की की रोटी के साथ। और ये रही हमारे पुदीने की चटनी, एकदम बढ़िया से देख सकते हो आप। मतलब गांव में इस तरह खाना खाना, मजे की बात मैं भी आ जाए कोई एक मंथ के बाद। इस चटनी का टेस्ट बहुत मस्त, कभी खाना देसी लस्सी देख पॉइंट का और पुदीने की चटनी मक्के की रोटी के साथ आज का लंच, मतलब ये लंच याद रहेगा हमें। इसलिए यही मेमोरीज हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। तो चाहिए व्लॉग भी शूट कर ले, फैमिली व्लॉग। अब एक और व्लॉग आने वाला है जल्दी, 3-4 दिनों में फुल फैमिली व्लॉग होगा। उसमें भी हमारी गुड़िया हमारे साथ बैठी है, ये भी अभी छोटी गुड़िया है भैया की लड़की। मैंने बोल हाय हाय, बोल इसी बाय का हाय। फ्रेंड्स व्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कैसा है व्लॉग। Explain your eyes and how the sound of your voice gives me butterflies. How your smile makes my heart skip a beat. How every time. तो फ्रेंड्स अभी तक देखा आपने हमने लंच किया, कितना मस्त प्यारा लंच फुल फैमिली के साथ। तो उसके बाद अभी निकले हम गोबर फेंकने। आपको पता हमारे घर में गाय भैंस वगैरह है, तो गोबर हम फेंकते हैं बाड़ी में, एकदम प्योर ऑर्गेनिक खेती बाड़ी होती है हमारी। तो हम जा रहे हैं अभी गोबर फेंकने अपनी बाड़ी में, वो आपको वो भी दिखाऊंगा कि हमारी बाड़ी कहाँ है और गोबर फेंकने में कितना दूर जाता हूँ। तो गोबर फेंकने चले हम, तो मेरे साथ है नीरज। तो देख सकते हो हमारा देसी स्टाइल गोबर फेंकने का क्या, ये एक कश्मीरी स्टाइल है हमारा। इस जो ये टोकरी टाइप बनी है इसमें हम गोबर डालते हैं जितना भी होता, तो दिन का दिन में एक दो बार फेंकने जाते हैं। तो वही हम गोबर फेंकने चल रहे हैं अभी, तो चलते हैं हमारे साथ बने रहिए।
तो फ्रेंड्स देखा आपने, गोबर लाया मैंने घर से। ये है हमारी बाड़ी, तो यहाँ पे गोबर इकट्ठा किया हुआ है। आज बाड़ी में नहीं डाल सकते क्योंकि आज बाड़ी में मक्की है, तो मक्की में कैसे डालेंगे, इसे साइड पे इकट्ठा करके रखते। तो जैसे मक्की काटेंगे उसके बाद हम पूरी बाड़ी में गोबर को बिछा देते हैं, तो उसके बाद फिर वो अच्छे से मिक्स होता है मिट्टी में, तो तभी जाके कुछ बनता है। तो ये गोबर इकट्ठा किया हुआ है फ्रेंड्स, मतलब जो भी आज के टाइम में गोबर लाते हैं हम, एक बाड़ी में इधर इकट्ठा किया है, दूसरी जगह भी इकट्ठा किया है, कभी नेक्स्ट टाइम वहाँ भी दिखाएंगे। देख सकते हो आप पार जो सामने आपको घर दिख रहे हैं, वहाँ से मैंने गोबर लाया था, और इधर जो ये बाड़ी है तो यहाँ तक मेरे साथ था नीरज। आपने देखा, नीरज तो मेरे व्लॉग में आते रहे। ये हमारे गांव का नज़ारा देख सकते हो, जहाँ हमारी बाड़ियाँ है वहीं पे इतना ब्यूटीफुल नज़ारा आप देख सकते हो। मेरे बैकग्राउंड कितनी अच्छी ग्रीनरी है, एकदम मतलब बिल्कुल टूरिस्ट स्पॉट की तरह। तो अब हमारे यहाँ रोड की कमी है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसलिए ऐसा दिखता है, ऐसा है कि कोई आता, अगर यहाँ पर रोड होती तो बहुत अच्छे नज़ारे, यहाँ पर बड़े लोग आते घूमने वगैरह, मतलब इतने पास में हमारे गाँव के पास में इतनी अच्छी अच्छी ग्रीनरी है इधर ऊपर, और बहुत अच्छी है। अब हम वहाँ जा नहीं पाएंगे क्योंकि हमें लेट हो जाएगा, अब हम यहीं तक आए थे घर तक ही, तो यहीं से वापस जाएंगे। हम सोचे हाँ थोड़ी सी एक क्लिप दिखा ले इस ग्रीनरी की, कैसी ग्रीनरी है। फ्रेंड्स अभी मैं और नीरज जा रहे हैं यहीं इसी जगह जहां मैं अभी तक आपको ग्रीनरी वगैरह दिखाई, एक पानी है, चश्मा है, बहुत अच्छा पानी, मतलब घर से वही स्पेशली पानी लेने के लिए नीरज यहाँ पे आया है, तो मैं भी साथ में आया, मतलब बहुत ठंडा पानी चश्मे का, तो डब्बा भी लाया नीरज ने शाम को पीने के लिए, तो वहीं वो पानी लेंगे, वो भी दिखाएंगे आपको कि मतलब बहुत पुराना पानी है चश्मे का, ठंडा, मतलब फ्रिज क्या उसके आगे एकदम टेस्ट वाला पानी। तो ये है वो पानी, हम पानी के पास पहुँच चुके हैं, तो नीरज ने डब्बा लगा लिया है पानी के साथ, देख सकते हो आप एकदम फ्रेश फ्रेश पानी, क्या दिक्कत ना यहाँ पे प्यूरीफायर लगाने की ज़रूरत, ना फ्रिज लगाने की ज़रूरत, एकदम बढ़िया से ठंडा पानी ले जाएंगे हम शाम को पीने। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ घर, अभी हम पार से वापस आ गए जहाँ हम गए थे गोर पे, तो अभी पहुंच चुके हैं घर में, तो व्लॉग को करेंगे इधर ही एंड। तो कैसा लगा आज का व्लॉग दिन का, कि एकदम प्योर देसी स्टाइल में लंच, उसके बाद घूमना, चक्कर लगाना, गोर फेंकने जाना, तो उम्मीद आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा व्लॉग, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जल्दी से जल्दी हमारे 10K पूरे हो जाए, उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे 10K सब्सक्राइबर, और बाकी 6K होने वाले हैं, उम्मीद है अगले ही कुछ दिनों में हमारे 6K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, और बाकी ऐसे व्लॉग आते रहेंगे अब कंटिन्यू, कभी कभी जैसे ही मुझे टाइम लगे हम व्लॉग बनाएंगे। तो बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।